नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। कहलगांव में ताड़ के पेड़ से व्यक्ति का शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की सारी तैयारी हुई पूरी, मंगलवार को डिप्टी सीएम करेंगे मेले का शुभारंभ। मायागंज अस्पताल में सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, मरीज रहे बेहाल। छात्रा से शोषण के आरोपी परीक्षा कंट्रोलर और कर्मचारी का विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया तबादला, सेक्सुअल हरासमेंट सेल की जांच जारी। और विद्यालय में संसाधनों के अभाव को लेकर छात्रों ने किया सड़क जाम, शिक्षा विभाग के खिलाफ जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। आजकल हत्या कर सब कुछ छिपाने के लिए हत्यारों द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे हत्यारे का पता आसानी से ना चल पाए। ताजा मामला कहलगांव अनुमंडल के सनहौला थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार को श्रीचक गांव बहियार में एक 40 वर्षीय अज्ञात का शव ताड़ के पेड़ से झूलता मिला साथ ही घटनास्थल से एक धारदार तलवार भी मिला है। आसपास के ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि मृतक की हत्या लगभग 5 दिन पूर्व ही हुई है और लाश को छुपाने के लिए ताड़ के पेड़ के ऊपर शव को गमछी से बांध दिया गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले में सनहौला थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि बहियार में मवेशी चरा रहे बच्चों ने शव को देख इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सनहौला पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही सनहौला पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे। मेला की तैयारी को लेकर डीएम प्रणब कुमार, एसएसपी आशीष भारती, डीडीसी सुनील कुमार, सदर एसडीओ आशीष नारायण समेत कई पदाधिकारी सुल्तानगंज, गंगा घाट एवं कांवरिया पथ पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। डिप्टी सीएम नई सीढ़ी घाट सुल्तानगंज में मेला का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर कृष्णानंद स्टेडियम में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और जगह जगह पुरुष एवं महिला पुलिस बलों की तैनाती की गई है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रविवार की देर रात अपराधियों ने अस्पताल के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड इंद्रजीत को गोली मार दी। घटना के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर काफी आक्रोशित हो गए और अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य सेवा को ठप कर दिया। इस दौरान इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। डॉक्टरों ने मरीज को लेकर आए एम्बुलेंस को भी गेट पर ही रोक दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में गोलीबारी की घटना और जान मारने की धमकी लगातार दी जाती है, ऐसे माहौल में काम कर पाना संभव नहीं है। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए काफी संख्या में पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जूनियर डॉक्टर अस्पताल परिसर में पुलिस पोस्ट खोलने की मांग कर रहे थे। दरअसल रविवार की देर रात बाइक लगाने को लेकर बदमाशों का गार्ड के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात ने बाइक को जब्त कर लिया। इसके बाद बदमाशों और गार्ड के बीच हाथापाई भी हो गई। एक घंटे के बाद 3 की संख्या में पहुंचे अपराधी ने गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटना में घायल गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर TNB लॉ कॉलेज में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा के दौरान छात्रा को एक्सपेल्ड कर शोषण करने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई कर दी है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को परीक्षा कंट्रोलर डॉक्टर राजीव रंजन पोदार का ट्रांसफर लॉ कॉलेज से GB कॉलेज नगछिया, जबकि कर्मचारी अमित कुमार का PBS कॉलेज बांका कर दिया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि दोनों आरोपियों से अभी सेक्सुअल हरासमेंट सेल की टीम पूछताछ कर रही है। रजिस्ट्रार ने कहा
कि जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद रजिस्ट्रार ने परीक्षा हॉल और सीसीटीवी रूम को सील कर डॉक्टर पोदार और कर्मी अमित से सोकॉस किया था। नाथनगर के चंपा पुल पहुंच पथ पर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मथुरापुर के छात्रों ने रोड जाम कर करीब एक घंटे तक टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर करीब एक घंटे तक यातायात ठप हो गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है और शिक्षकों की भी कमी है। छात्रों ने बताया कि विद्यालय में कक्षा एक से लेकर नवम तक की पढ़ाई होती है, जिसमें हेड मास्टर सहित 3 शिक्षक ही हैं। वहीं छात्रों ने टेबल नहीं होने पर जमीन पर बिठाकर पढ़ाने, क्लासरूम में एक भी पंखा नहीं रहने और चापाकल खराब होने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि अगर प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद हिमांशु लेकर नवम तक की पढ़ाई होती है, जिसमें हेड मास्टर सहित 3 शिक्षक ही हैं, वहीं छात्रों ने टेबल नहीं होने पर जमीन पर बिठाकर पढ़ाने, क्लासरूम में एक भी पंखा नहीं रहने और चापाकल खराब होने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि अगर प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद हिमांशु को सारी समस्या बताई जाती है तो उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। वहीं जाम इतनी थी कि कमिश्नर की गाड़ी को भी घूम कर जाना पड़ा। रोड जाम कर रहे छात्र छात्राओं को समझा बुझा कर पुलिस ने जाम हटवाया और प्रिंसिपल से बात कर जल्द से जल्द छात्रों की समस्या का समाधान करने को कहा। मेरे स्कूल का नाम है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मथुरापुर और शिक्षक जो है शिक्षक एक नाइन्थ में और जो परेशानी टेबल कुर्सी और बेंच और स्कूल नहीं है, इसके लिए हम जाम किए वहाँ कि जब सर नहीं था वो स्कूल में और नहीं नाइन का बना हुआ था तो टीसी देना चाहिए, नहीं टेबल था तो हम सबको टीसी नहीं दिया, एडमिशन ले लिया और अभी पढ़ाई के टाइम में बोलता है नीचे में बैठ के पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे। ली देता है, वो जाते हैं ऑफिस में बोलने तो बोलता है कि जाओ कि करना कर लो, हम सब नहीं करेंगे। गांव में अभी 15 दिन से कहते हैं नहीं सुना सर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लॉ की परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। 3 और 5 वर्षीय लॉ कोर्स की परीक्षा के लिए इस बार विश्वविद्यालय के बहुदेशीय प्रसाल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा को लेकर सोमवार को बहुदेशीय प्रसाल में सीटिंग अरेंजमेंट एवं नोटिस चिपकाने का कार्य होता रहा। वहीं केंद्राधीक्षक प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने कहा कि इस बार पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जबकि कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की बात कही। गौरतलब हो कि पूर्व में भी लॉ की परीक्षा में विवाद होता रहा है। जिस तरह हमारी परीक्षाएं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होती है, उसी तरह लॉ की भी परीक्षा होगी। हम कोई भी परीक्षा होता है तो पुलिस बल के लिए SDO को लिखते हैं और SSP को लिखते हैं। कोई भी परीक्षा में लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सामान्य अन्य परीक्षाओं की तरह यह भी परीक्षा है, इसमें कोई विशिष्ट इंतजाम नहीं किया गया। कदाचार रोकने के लिए हर बार हमारे शिक्षक होते हैं, वीक्षक कड़ाई करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़के मोबाइल लेके नहीं आए, चोरी ना करें क्योंकि चोरी करने पर वो 1 साल के लिए एक्सपेल भी होते हैं, विश्वविद्यालय की भी बदनामी होती है। इसलिए कदाचार रोकने के लिए जो अन्य परीक्षाओं में इंतजाम होता है उसी तरह का इंतजाम लॉ कॉलेज के लिए भी किया गया। जुलाई से परीक्षा प्रारंभ हो रही है और ये 30 तक चलेगी। इसमें TNV लॉ कॉलेज और विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज मुंगेर के छात्र सम्मिलित होंगे। परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इन्विजिलेटर्स की व्यवस्था, कुछ कंस्टिट्यूएंट यूनिट से नाम आए हैं, कुछ एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षकों के भी नाम आए हैं, अभी फाइनल उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीट प्लान जो है साटा जा रहा है। छात्रों से भी अनुरोध है कि वो अपने केंद्र पर कलम और एडमिट कार्ड के अतिरिक्त कोई सामग्री न लाएँ। टेलीफोन इत्यादि भी वर्जित है कि मोबाइल वगैरह का प्रयोग वर्जित है, इसलिए छात्रों से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इस तरह की चीज़ें केंद्र पर न लाएं। यदि आप लाते हैं तो उसे चूंकि बाहर में रखना होगा, आप अपनी जवाबदेही पर उसे लाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी, आइए देखते हैं अगली खबर। संत हाई स्कूल घोगा में छात्रों से निर्धारित राशि से अधिक शुल्क वसूलने एवं प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साइकिल राशि नहीं भेजने को लेकर पूर्व में छात्रों द्वारा किए गए हंगामे के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मणिकांत गुप्ता मामले की जांच करने स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से विद्यालय में संचालित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीपीओ ने कई कागजातों की जाँच की और विद्यालय में शुल्क वसूली के साथ कई तरह की अनियमितता पाई। गौरतलब हो कि संत हाई स्कूल में गलत शुल्क वसूली को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा किए गए हंगामे के बाद इसमें सुधार एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी एवं कहलगांव विधायक को भी आवेदन दिया गया था, जिसके बाद डीपीओ ने स्कूल जाकर मामले की जाँच की, जिसमें कई बातें सामने आई है। प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चे के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई और जाँच प्रतिवेदन जाँच कर लिया गया है। जाँच प्रतिवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को सोमवार को समर्पित किया जाएगा। आपकी ये लूट की जो है इस पर तो जो है कि न्यायालय पड़ेगी, अब वो सही है या क्या गलत, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया लगता है यह जो है ऐसी घटना नहीं घटी। लोदीपुर थाना क्षेत्र के खुटहा गांव में 10 जुलाई को रिटायर्ड जवान गणेश यादव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए मृतक के पुत्र देवेंद्र यादव ने डीआईजी को आवेदन देकर गांव में पुलिस पोस्ट खोलने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात जवान देवेंद्र ने कहा कि गांव में अपराधी खुलेआम घूमते हैं और दिन दहाड़े हत्या जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोदीपुर थाने की दूरी करीब 10 किलोमीटर होने के कारण पुलिस को पहुंचने में काफी लग जाता है, जिससे गांव में अपराध चरम पर है। देवेंद्र ने अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ द्वारा मुहिम चलाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। इसके लिए मुख्य मांग है कि लंबे समय से खुटहा का इतिहास बहुत दागदार रहा है और थाना भी बहुत दूर पर है, वहां पे नजदीक नहीं 10-12 किलोमीटर दूरी है और आने में बहुत समय लग जाता है और यहां खूब हथियार वगैरह लहरा दिया जाता है और बहुत सारे खूनी संघर्ष हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वहां एक ओपी खुले ताकि 10-12 पुलिस वाले वहाँ पर रहे और लोग हथियार इस तरह से खुलेआम लेकर ना घूमें और खूनी संघर्ष ना हो। और दूसरा एक बड़ी मांग है, जितने भी अपराधी लोग हैं, बड़े बड़े अपराधी लोग जो अपराध करते जा रहे हैं, भू माफिया लोग हैं, तो उनके खिलाफ एसटीएफ के द्वारा एक मुहिम चलाई जाए, क्योंकि थाना से कुछ होने वाला नहीं। मैं पुलिस थाना फलना चिलना घूमता रहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। डीआईजी साहब से मिले, आश्वासन मिला है हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, उन्होंने कहा है कि हम पूरा करेंगे। कहलगांव अनुमंडल के कई गांव में वस्त्र दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। अपना कहलगांव ग्रुप की ओर से औरैया पंचायत के चंडीपुर पहाड़िया टोला में जैसे ही कपड़ों से भरी गाड़ी पहुंची तो गांव के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को ग्रुप के सदस्यों द्वारा कपड़े दिए गए। इस दौरान ग्रामीण काफी खुश नजर आए। अपना कहलगांव ग्रुप के नितिन कुमार, साबरनी मधुकर, सोनी सिंह ने कहा कि अभियान चलाकर जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र का वितरण किया जाता है। इस मौके पर सुमिता सिंह, रवि भूषण, सनी सिंह, चंदन प्रताप समेत काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के नया बाजार स्थित राजकीय मदन मोहन मध्य विद्यालय में सोमवार को लायंस क्लब भागलपुर फेमिना की ओर से छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पम्मी राय ने 90 छात्राओं की जांच की और नेत्र रोग से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान क्लब के सभी सदस्यों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नियमित तौर से बेटियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और शिक्षा में आने वाले समस्याओं को दूर करने की बात कही। इसके अलावा स्कूल की छात्राओं को शुद्ध जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए जल ही जीवन है के तहत क्लब की ओर से एक वाटर फिल्टर लगाया गया। सेमिनार की अध्यक्षा सारिका जैन ने कहा कि क्लब की ओर से महिलाओं एवं बेटियों के हित में कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे बेटियां स्वस्थ, शिक्षित एवं सुरक्षित रह सके। इस मौके पर प्रकाश नंदा, सारिका खेतड़ीवाल, सुनीता सिंघानिया, निधि सेठ समेत क्लब की कई सदस्य महिलाएं एवं छात्राएं मौजूद थी। एक तरफ जहाँ बरसात का मौसम गर्मी से राहत देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कई तरह की बीमारी फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस मौसम में बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव एवं गंदगी से फैलने वाले बैक्टीरिया खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हैजा और चिकनगुनिया बीमारी से लोग आमतौर पर
पर बीमार पड़ते हैं और छोटे बच्चे इन बीमारियों की चपेट में जल्द आ जाते हैं। वहीं बरसात में होने वाली बीमारी की रोकथाम को लेकर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने घर के आसपास बरसाती पानी जमा नहीं होने देने की बात कही। डॉक्टर अजय ने कहा कि दस्त या तेज बुखार आने पर लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बरसात का मौसम गर्मी से राहत देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कई तरह की बीमारी फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस मौसम में बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव एवं गंदगी से फैलने वाले बैक्टीरिया खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हैजा और चिकनगुनिया बीमारी से लोग आमतौर पर बीमार पड़ते हैं और छोटे बच्चे इन बीमारियों की चपेट में जल्द आ जाते हैं। वहीं बरसात में होने वाली बीमारी की रोकथाम को कर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने घर के आसपास बरसाती पानी जमा नहीं होने देने की बात कही। डॉक्टर अजय ने कहा कि दस्त या तेज बुखार आने पर लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बरसात के मौसम में ऐसी बीमारियां होती है जिसका संक्रमण मुंह से होता है, जैसे कई बीमारियां होता है, मच्छर काटने से होता है या अन्य ब्लड में कंटैक्ट से होता है, लेकिन बरसात में मुख्यतः जो मुंह से जाता है बीमारियां, उसमें से प्रमुख है टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया और पेचिस। तो ये तीन चार बीमारियां प्रमुख हैं। इसके अलावे मच्छर का भी प्रकोप बढ़ता है, बरसात के पानी जमता है और डेंगू फैलने का चांस रहता है, मलेरिया का भी चांस होता है। तो मैं पहले मुंह से जो मैंने खाने के माध्यम से जो जाता है उसका सीधा सीधा है कि ढके हुए खाने को खाएं, कहीं भी मार्केट में जहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं इस तरह का कोई भी खाना नहीं खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। और दूसरा, हैंड वॉशिंग का बच्चों को तरीका जानना चाहिए और हैंड वॉशिंग 2 मिनट तक, खास करके लैट्रिन बाथरूम आने से 2 मिनट तक हाथ धोना चाहिए और बीच बीच में साबुन से हाथ बच्चों का धुलाना चाहिए। स्पेशल परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर छात्रों ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्नातक सत्र 2012 से 15 तक के छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन राजभवन के आदेश के बाद भी परीक्षा नहीं ले रहा है। छात्र नेता प्रवीण ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हम 2012 से लेकर 15 तक का स्पेशल परीक्षा की मांग कर रहे हैं सर, जो ग्रेजुएशन में किसी एक पेपर के चलते वो ग्रेजुएशन क्लियर नहीं कर पाया है, तो हम एक मौका मांगते हैं कुलपति से कि एक मौका दिया जाए स्टूडेंट को, जो एग्ज़ाम लिया जाए, जो भविष्य बन जाए। 10,000 स्टूडेंट हैं स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, जो कि उसका करियर दाव पे लगा हुआ है, ना कोई फॉर्म भर पा रहा है, ना कोई आगे का पढ़ाई चालू कर पा रहा है, 2 साल से स्टूडेंट का करियर बर्बाद पे लगा हुआ है। हम मांग करते हैं बीसी से कि स्पेशल एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले और घोषणा करे। सब यूनिवर्सिटी में हो रहा है, आरा में हो रहा है, छपरा में हो रहा है, मेधीपुरा में हो रहा है, समस्तीपुर में हो रहा है, लेकिन भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लिया जा रहा। बांका अमरपुर प्रखंड स्थित भीखनपुर पंचायत के महोता गाँव वार्ड नंबर 8 में मुख्यमंत्री जल नल योजना से कराए गए बोरिंग और टंकी निर्माण में वार्ड सदस्य मनोज सिंह द्वारा अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 2017-18 वित्तीय वर्ष में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा निर्माण कराया गया बोरिंग का टंकी सोमवार की सुबह अचानक ब्लास्ट कर टुकड़ों में बट गया, जिससे ग्रामीणों को जलापूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर चंद महीनों में बिना किसी प्राकृतिक आपदा के टंकी कैसे ब्लास्ट कर गई और क्या बोरिंग और टंकी लगाने में पैसे की हेरा फेरी कर गुणवत्ता से समझौता किया गया है। इसको लेकर ग्रामीण भी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कार्यों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं, जबकि वार्ड सदस्य ब्लास्ट करने के कारणों की जाँच कराने की बात कर रहे हैं। क्या कारण, हम दुकान से सामान लिए, अब जो कारण से हमको चाहे तो इतना भी मालूम नहीं था कि पता कि मान के चले कि कमजोर दिया कि सही दिया, लेकिन दुकान से लाए और अपने से विस्फोट होके फूटा। भागलपुर जवारीपुर स्थित विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान तेज करने और लक्ष्य पूरा करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए पार्टी की विचारधारा के अनुरूप आचरण करने, गलत व्यक्ति को पार्टी का सदस्य नहीं बनाने और पार्टी के साथ देश हित में कार्य करने की बात कही गई। जिले के सभी
मंडल सदस्य सह प्रमुख मंडल अध्यक्षों को सदस्यता का फॉर्मेट दिया गया और जिले भर में 2 लाख नए सदस्य का लक्ष्य पूरा करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में विजय प्रमुख दिलीप निराला, अभय घोष, सोनू, अभय वर्मन, रोशन सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर देवी बाबू धर्मशाला में भगवती जीन माता स्मृति न्यास महोत्सव का आयोजन सोमवार को किया गया। महोत्सव के दौरान भगवती जीन माता के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया और माँ का श्रृंगार कर मंगल पाठ किया गया। इस दौरान माँ की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सुहागिन महिलाओं के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ माँ का जयकारा लगाया। कार्यक्रम में मेहंदी उत्सव, चुनरी उत्सव, गजरा उत्सव एवं जन्मोत्सव के साथ कोलकाता से आई कलाकार के द्वारा भजन और नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विनोद शर्मा, राहुल सोनी, श्याम शर्मा, अशोक भिवानी वाला समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद थे। भागलपुर के बिशनपुर जिच्छो पोस्ट ऑफिस में सोमवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, पोस्ट मास्टर प्रिया कुमारी, मुखिया आशुतोष महलदार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मैनेजर आशीष कुमार एवं प्रधान डाकघर आधार अपडेशन सेंटर प्रभारी संजय कुमार ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर वातावरण में बढ़ते प्रदूषण एवं जल संकट को नियंत्रित करने के लिए सभी सदस्यों ने वृक्षारोपण करने एवं इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। भागलपुर के इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में बिहार स्टेट सब जूनियर अंडर 13 एवं अंडर 15 बॉयज एवं गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर सोमवार को अंडर 13 और अंडर 15 के क्वालिफाइंग राउंड का मैच खेला गया। इस दौरान अंडर 13 एवं अंडर 15 बॉयज सिंगल्स एवं डबल्स प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने के लिए बिहार के 21 जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि चीफ रेफरी मिथिलेश कुमार की देखरेख में क्वालिफाइंग राउंड के सभी मैच खेले गए। भागलपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव सत्यजीत सहाय ने कहा कि चैंपियनशिप का उद्घाटन मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार करेंगे और 3 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट का समापन गुरुवार को होगा। मैच के लिए 4 कोर्ट बनाए गए हैं जिस पर गर्ल्स एवं बॉयज ग्रुप का मैच खेला जाएगा। इस मौके पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोचिंग एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी के एन जायसवाल, राजेश नंदन समेत एसोसिएशन के कई सदस्य, रेफरी एवं बिहार के विभिन्न जिलों से आए बैडमिंटन खिलाड़ी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। कहलगांव में ताड़ के पेड़ से व्यक्ति का शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की सारी तैयारी हुई पूरी, मंगलवार को डिप्टी सीएम करेंगे मेले का शुभारंभ। मायागंज अस्पताल में सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, मरीज रहे बेहाल। छात्रा से शोषण के आरोपी परीक्षा कंट्रोलर और कर्मचारी का विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया तबादला, सेक्सुअल हरासमेंट सेल की जांच जारी। और विद्यालय में संसाधनों के अभाव को लेकर छात्रों ने किया सड़क जाम, शिक्षा विभाग के खिलाफ जताया विरोध। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।